बिस्मिल रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे, पाक आप सबको और खुश रखे, हर तरह की बीमारी और परेशान से बचाए, आमीन सब आमीन। तो चलिए आज के व्लॉग को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। और अभी ना मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है रात के टाइम से, क्योंकि मैं और मेरी फैमिली गए हुए थे वलीमा दावत में, वलीमा सेरेमनी भी कह सकते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले ही पहुंच गए थे हम। वैसे तो हम बिल्कुल टाइम पे निकले थे, ऐसे जैसे अमूमन तौर पे हम जाते हैं शादियों में, जिस टाइम पे ना उसी टाइम पे हम निकले थे। लेकिन यहाँ फंक्शन और लोग काफ़ी लेट में आए थे, फंक्शन काफ़ी लेट में स्टार्ट हुआ था, तो फिर ऐसे लग रहा था कि हम ही लोग सबसे पहले पहुँच गए हैं। वेल, यहाँ आने के लिए हम काफ़ी टाइम से एक्साइटेड थे, क्योंकि ऐसे जब हम किसी वेडिंग में जाते हैं या तो वो पापा के फ्रेंड्स होते हैं, या तो मतलब ऐसे लोग होते हैं जिनको हम नहीं पहचानते, बस पापा की ही जान पहचान होती है, या बहुत दूर के रिलेटिव होते हैं जिनको हम सिस्टर्स नहीं जानते होते, तो फिर आपस में हमारे बात करते हुए पूरा टाइम निकल जाता है। जल्दी से खा पी के हम लोग निकल भी जाते हैं घर, लेकिन क्योंकि इसमें ना हमारी खाला मौनी खालू और सारा समाज कज़िन सब आने वाले थे, तो बहुत इंजॉय होने वाला था, तो इसीलिए हम काफ़ी एक्साइटेड थे कि खाला लोग भी आएंगी। काफ़ी टाइम बाद ऐसी शादी पड़ी जिसमें खाला लोग भी हमारे साथ हैं। तभी ना अपने अपने घर से आई हुई थी, और यहाँ पे हम लोग आके बैठे तकरीबन हाफ आवर के बाद यहाँ पे सारा और उसकी फैमिली आ गई थी। और यहाँ पे हम लोग अभी हमारी दूसरी खाला का भी वेट कर रहे हैं, मतलब हमारी तीसरी खाला भी यहीं आने वाली थी, मतलब बहुत इन्जॉय होने वाला था। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा मैंने क्या क्या यहाँ पर खाया और कैसे कैसे हमने इन्जॉय किया। अब्बा बेचारा बहुत देर बाद चाउमिन एक पत्ता लेकर आ पाया, कब कहा था हमने उससे, देखे कैसी है, देर से चली है ना। हाँ, सब भीड़ हो चुकी है जब तक। अरे खाओ बहन, हाँ और क्या आज तक उन्हें खाला लोग नहीं दिख रहे हैं। हम तो भैया दावत में जाते हैं, तो गर्मी के दिन है तो बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने चाउमीन खाई थी, क्योंकि ये मतलब सबद ने ला के दे दिया था। मेरा मन नहीं था जाने का बार बार उठ के, और जहाँ पर ये सारा सब चीज़ों का काउंटर था ना, वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन एक फ़ायदा तो होता है, जिस शादी में मेरे कज़िन या बच्चे वगैरह होते हैं जान पहचान के, उनसे हम मंगा मंगा के खा सकते हैं, ये फ़ायदा होता है हमारा। तो यहाँ पे मैंने समझ से मंगाया था, उसको मिल तो बड़ी देर में पाया था, जब तक खाना आ गया था यहाँ पे, तो हमने सोचा चले खाने ही खा लेते। वैसे भी ये सालन वगैरह ज़्यादा मतलब अब हाइप हो गई है, स्टार्टर वगैरह मुझे ऐसा लगता है कि जी भर चुका है सबका ऑलमोस्ट। और मेरा तो मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है, तो मेरा भी बड़ा मतलब गर्मा गर्म सालन आया था, तो मैंने अम्मी से कहा मेरी प्लेट में भी सर्व कर दो, और ये इतना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा था ना। अभी ये पकड़ दो जरा। हाँ एक मिनट, ये लो सैलेड की रही। तो मैं भी यहाँ पे मतलब कैमरा वगैरह सेट करके बैठ गई थी खाने, अम्मी भी बैठी हुई थी साथ में, हमारी खाला भी आ गए थे वो भी बैठी हुई थी, बाकी दो खाला हमारी स्टार्टर्स इंजॉय कर रही थी, तो उन्होंने अभी खाना नहीं खाया था। हालांकि गर्मा गर्म सालन आ रहा था ना, खाने का मज़ा जो है वो दुगना हो गया था। लेकिन ना बिल्कुल ओपन लॉन था और इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, जैसे तैसे मैं सुकड़ के बैठी हुई थी। अम्मी को देख रहे होंगे आप, स्वेटर उन्होंने वेयर कर रखा, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब जाती है ज़रा सी भी ठंड लगने से। तो मैंने उनको कहा, और उन्होंने खैर खुद से भी पहन ही लिया था, क्योंकि ठंड उनको भी फील हो ही रही थी, मुझे भी इतनी ठंड लग रही थी, लेकिन मैं कुछ भी अपना स्वेटर वगैरह रख करके नहीं लेकर के आई थी। लेकिन बस फिर खाना खाया तो
टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन हो गया था। और मैं भी आपको अपना लुक भी दिखाऊंगी कि ऊपर से लेके नीचे तक मैंने क्या वियर कर रखा है। और फिलहाल के लिए तो आप देख ही रहोगे फुल मैंने पिंकी पिंकी लुक ले रखा है यहाँ पे। और इसको एंजॉय किया हमने बातें करते करते, मतलब क्योंकि हमें इतना मज़ा आ रहा था, इतना देर तक बैठ करके हम बातें करते करते धीरे धीरे खाना खा रहे थे कि एक लंबी सी वीडियो बन गई। वैसे आप जब दावतों में जाते तो आपका पहला काम क्या होता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। मेरा पहला काम होता है सबसे अच्छा कुछ खाना, और सिस्टर्स का पहला काम होता है सबसे पहले फ़ोटोज़ क्लिक करवाना। और आपका भी कोई पहला काम होता होगा तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं तो यही सोचती हूँ कि पहले मैं सब कुछ इन्जॉय कर लूँगी, उसके बाद ही मैं फ़ोटो क्लिक करवाऊँगी। वैसे जब मैं गई थी ना तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे सन्नाटा वगैरह था, तो इसलिए मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवा रही थी। अगर कुछ चल रहा होता ना स्टार्टर वगैरह तो मैं पहले स्टार्टर ही खाती। क्या यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा एंगल से मैंने कैमरा सेट कर दिया था अच्छे एंगल से, और मुझे काफ़ी क्लियर व्यू भी मिला था आराम से, मुझे ज़्यादा हाथ में पकड़ना भी नहीं पड़ रहा था, मैं मज़े से इंजॉय करके खा रही थी। यहाँ पर मैंने अपने भाई को दिया था मोबाइल वीडियो बनाने के लिए मेंस में, लेकिन उसने कुछ अजीब सी वीडियो बनाई, मतलब कुछ भी क्लियर नहीं दिखाया, बस एक राउंड लगाया और वापस से आकर मुझे कैमरा पकड़ा दिया। मुझे ये तब पता चला जब मैं अभी वीडियो एडिट कर रही हूँ। अभी मैं उसको किसी दिन जब मिलेगा ना वो मैं बाद में उसको बताऊँगी। इतना शाही है, मैंने उससे दुल्हन की वीडियो बनाने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया, कहने लगा आप अगर आपको मेंस के सेक्शन की वीडियो बनानी है तो मैं वहाँ से बना करके ले आता हूँ। मैंने उसे फ़ोन तो दे दिया, लेकिन देखे कैसे उसने वीडियो बनाई, बस एक राउंड लगाया और लाके कैमरा मुझे पकड़ा दिया, ठीक से कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया। वेल यही मसला रहता है, इसलिए मैं खुद ही सब कुछ रिकॉर्ड करती हूँ, तभी एक व्लॉग बन पाता है, नहीं तो किसी के भरोसे में बैठ नहीं पाती हूँ। वेल मैंने अपने भाई से हालांकि ये वीडियो शूट ज़रूर करवाई थी जिसमें आपको मेरा पूरा लुक दिख रहा होगा। मैंने कुछ ऐसे अपना लुक कैरी किया हुआ था, पिंक कलर का ड्रेस पहना था, मैं पहले कुछ और पहनने वाली थी लेकिन वो इतना ज़्यादा मेरे टाइट हो चुका था एक साल के अंदर ही अंदर, तो इसलिए मैंने अपना स्विच किया और कुछ ये पिंक कलर का पहना। तो मेरे पास हमेशा प्लान बी रहता है, तो उसी के चल मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये पिंक कलर का ड्रेस पहनी थी। ये भी कुछ बुरा नहीं लग रहा था। और यहाँ पे अभी सब लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज हम इतनी देर तक इस शादी में रुके रहे, तकरीबन 11:30 बजे तक, उसके बाद ही हम निकले थे घर के लिए। और हमें जूबे की भी याद नहीं आई सरप्राइजिंगली, मतलब इतना ज़्यादा मिस करते हैं जूबे को जब शादी वगैरह में जाते। आज इतनी मज़ा आई कि हम जूबे को ही भूल गए, इस एहसास हमें रिक्शे पर बैठ के हुआ था। पहले आकर के जूबे का बड़ा मूड ख़राब था कि इन लोग ने मुझे जो है वो ऐसे अकेला छोड़ दिया और अभी आके प्यार भी नहीं किया। उसके आगे की कहानी मैं बताऊँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तो इसी के साथ ये था मेरा आज का व्लॉग। हम लोग सब लोग घर चले गए थे ऑब्वियसली, और उसके बाद इतनी थकान के बाद तो कहाँ कोई वीडियो वगैरह शूट हो पाती है, और टाइम भी इतना हो गया था, मतलब ऑलमोस्ट सोने का टाइम हो गया था, तो फिर हम लोग घर पे चले गए थे, सो गए थे। और इसी के साथ ये था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, आप सब लोगों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल व्लॉग माइस में कुछ ज़रूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ मैं न्यू अपडेट्स लाने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।